जय श्री सीताराम। महामहिमा का एक और बेहद खास दिन आने वाला है, बेहद खास दिन। उपाय के दृष्टिकोण से, परेशानियों को कम करने के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। 14 तारीख का, 14 मई 2022। देखिए, 12 मई के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस दिन मोहिनी एकादशी है। भाई, दूसरों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। आप पहले तो वशीकरण की भी बहुत सारी क्रियाएं इस दिन में होती थी, लेकिन आजकल वो विज्ञान जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक लुप्त हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा, मोहिनी एकादशी या 12 मई का, तो आप वो जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मोहिनी एकादशी कैसे की जाए ये समझाया है, उपाय भी मैंने समझाया है दूसरों को अट्रैक्ट करने का। आज हम बात करें 14 मई के बारे में। देखिए, 14 मई 2022 बहुत ज्यादा खास दिन है। किस लहजे से, कैसा खास दिन है? देखें, भगवान श्री राम, परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम कब जन्म लिया था उन्होंने? श्री राम नवमी हम सभी मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हम जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग भगवान श्री नरसिंह कब प्रकट हुए ये बहुत कम लोग जानते हैं। 14 मई 2022 वही दिन है। देखें, पुराणों में ये कहा गया है कि भगवान श्री नरसिंह वैशाख मास को शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन प्रकट हुए। भाई, भगवान नरसिंह का जन्म तो हुआ नहीं था, वो प्रकट हुए थे, अचानक से आए थे। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, और भी दूसरे भक्त थे उनकी रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो ये दिन जो है उपाय के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस बात के उपाय के लिए, किस चीज के उपाय के? देखिए, आप यदि कहीं आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, यदि कहीं शत्रु तंग कर रहे हैं। अच्छा, शत्रु कितने प्रकार के होते हैं? तो शत्रु एक तो वो भी होते हैं जो हमें दिखते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कुछ शत्रु वो भी होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। भाई, गुप्त शत्रु भी तो कोई होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। गुप्त शत्रुओं को परास्त करने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स, आज के सिनेरियो की बात करें तो ऑफिस में पॉलिटिक्स हुआ करती है, भाई उन्हें गुप्त शत्रु कहते हैं। उन्हें परास्त करने के लिए, ऑफिस की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए कॉम्पिटिटर्स, भाई वो भी शत्रु हैं एक प्रकार से। यदि आपका कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है जो आप बेचते हैं, और कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट की किसी प्रकार से बुराई करता है और उसे बेचने से रोकता है, तो वो कौन है? वो आपका शत्रु ही तो एक प्रकार से है। तो कॉम्पिटिटर्स को किस प्रकार से हराया जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने बिजनेस में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। भाई, देखिए, बीमारियां भी शत्रु हैं। हाँ, सबसे बड़ी शत्रु तो बीमारी है। तो बीमारियों को किस प्रकार से कम किया जाए, कैसे कैसे सफलता हासिल की जाए, और कैसे खुद के वर्चस्व को बढ़ाया जाए, खुद की प्रतिष्ठा को, खुद के सम्मान को बढ़ाया जाए, और खुद का एक दबदबा जो है वो स्थापित किया जाए। जैसे आप यदि कहीं लीडर हैं, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो एक आप आपका एक दबदबा होना चाहिए। गुजराती भाषा में कहें तो वट होना चाहिए। तो वो कैसे, उसे कैसे बढ़ाया जाए? भाई, उस इस उपाय का, इसे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। 14 तारीख का, 14 मई 2022 का दिन। मैं आपको यहाँ पर उपाय बताने जा रहा हूं, आप सभी उपाय करें, और जितनी परेशानियां, जितनी समस्याएं मैंने यहाँ पर आपको गिनाई हैं, उन सारी समस्याओं में आप कमी महसूस करें। अच्छा, एक और बात, कोर्ट केस लिटिगेशन, भाई शत्रु जो है कोर्ट केस में आप कब फंसते हैं, या कहीं आप कोर्ट के चक्कर क्यों काटते हैं? कहीं ना कहीं शत्रुओं से कुछ समस्या होती, परेशानी होती, तभी तो ना काटते हैं। तो कोर्ट का लिटिगेशन चल रहा है, तो भी यदि आप ये उपाय करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा राहत, बहुत ज्यादा उपलब्धि, बहुत ज्यादा सफलताएं मिलेंगी। क्या करना है? तो 14 तारीख को पहले तो तैयार हो जाए, और बिल्कुल सुबह से नहा धो करके, और इस बात का प्रण ले कि इस दिन मैं उपवास करूंगा या करूंगी। उपवास क्या होता है? उपवास का मतलब होता है कि वैसे तो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को आराम देना, शांति देना, अब बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालना, काम करने नहीं देना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। लेकिन फिर भी आप कम से कम, यदि आपको खाना ही है, तो फलाहार करना, फलों का आहार, जो फल फ्रूट है ना, ये कंदमूल भी हम कहते हैं, तो इन्हें खाना, इनका आहार करना, इन्हें लेना, भाई इसे उपवास कहते हैं। तो 14 तारीख को जो है वो सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान रखें कि इस दिन उपवास करना है। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, एक और खास बात ये है कि इस दिन आ रहा है शनिवार का दिन।
तो शनिवार का दिन यदि आ रहा है तो एक बहुत 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 खास उपाय आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। श्री नरसिंह भगवान को कील, जो कील होती है ना, जो हम दीवारों पर लगती है, ठोकी जाती है, वो कील जो है वो चढ़ती है। जी हाँ, आपको आपको लग सकता है कि ये क्या बात है, लेकिन बिल्कुल लोहे की कील श्री नरसिंह भगवान को चढ़ाई जाती है। और चढ़ाने के बाद में इसे आप वहां पर दान करें, उन्हें डोनेट करें जिन्हें जरूरत है। जैसे किसी का घर बन रहा है, तो वहां जाकर के आप दे करके आ जाए, भाई कुछ ना कुछ तो उपयोग वो कर ही लेंगे। या कोई और जगह भी आप जाकर के दे के आ सकते हैं जो किसी प्रकार से उन कीलों का उपयोग करें। तो आपको क्या करना है कि उपवास तो करना ही है, लेकिन सुबह के वक्त यानी 11 या 12 बजे के पहले आपको जो है श्री नरसिंह चालीसा या श्री नरसिंह कवच, यदि आपको नहीं पता कहाँ मिलेगा तो गूगल जो है उसमें आपको बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो नरसिंह चालीसा या नरसिंह कवच का पाठ इस दिन आपको जरूर करना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जो है यदि नरसिंह भगवान की आपके यहाँ फोटो या मूर्ति नहीं भी है तो कोई बात नहीं, भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री नारायण की, या फिर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति तो होगी होगी, उनके सामने जो है भगवान श्री नरसिंह का नाम लेकर के आप कुछ कील, जितनी कील आप खरीद के ला सकते हैं उतनी कील आप ले और उनके सामने जो है वो आप रख दें। जी हाँ, इसके बाद में आप पुष्प फूल ने जो कि भगवान श्री नरसिंह का ध्यान करते हुए आप चढ़ा दें। उसके साथ में आप दही का भोग जरूर लगाएं। दही का भोग भगवान श्री नरसिंह को बहुत पसंद है, तो दही का भोग आप जो है वो जरूर इस दिन लगाएं। इसके बाद में क्या करना है, मोर पंख, बड़ा सा मोर पंख होता है, जितने मोर पंख आप ला सकते हैं, एक मिल जाए तो एक, तीन मिल जाए तो तीन, जितने आप ला सकते हैं उतने मोर पंख भी भगवान श्री नरसिंह का नाम लेकर उनका स्मरण करते हुए आप जरूर चढ़ाएं। कहाँ चढ़ाना है, या तो नरसिंह भगवान की फोटो या मूर्ति है तो वहां चढ़ाएं, नहीं तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण भगवान के वहां पर भी आप उनके सामने भी, उनके चरणों में भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा करें। और मैंने आपसे जैसे कहा कि श्री नरसिंह कवच और श्री नरसिंह चालीसा, इसका पाठ तो इस दिन करना है आपको, तो ये भी आप जो है वो जरूर करें। श्री नरसिंह भगवान नमोस्तुभ्यम, मैं एक मंत्र बता रहा हूं, श्री नरसिंह भगवान नमोस्तुभ्यम, इस मंत्र कि कम से कम एक माला का जाप, यानी 108 बार इस मंत्र का जाप कम से कम आप करें। ज्यादा से ज्यादा करना है तो 3 माला, 3 माला के अलावा 11 माला, 21 माला, 51 माला, 101 माला, 108 माला, जितना आप करना चाहें, लेकिन कम से कम एक माला का जाप तो आप इस दिन जरूर करें। देखें आप कि आपको ये उपाय करने से कितना फायदा मिलता है। यदि आपके पास और समय है तो मैं कहूंगा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन जरूर से आप करवाएं। यदि कहीं आपके कोई रुके हुए कार्य हैं, कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, वो आपकी नौकरी नहीं लग रही है, वो हो सकता है बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, वो हो सकता है संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी प्रकार की बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, कलह कलेश घर परिवार में ज्यादा बन रहे हैं, शत्रुओं की परेशानी के लिए, तो ये आज का 14 मई का दिन है ही है, श्री नरसिंह भगवान के प्रकटोत्सव का दिन, तो शत्रुओं के संहार के लिए, शत्रुओं की कमी के लिए, शत्रुओं पर विजय के लिए तो सबसे बड़ा दिन है, तो इसके लिए तो करना ही करना है। तो एक एक मन में आशा रख के, एक मन में ये प्रार्थना करके कि ये जो मेरी परेशानी है ये खत्म हो, कम हो, ये नाम लेकर श्री सत्यनारायण जी की कथा भी जो है इस दिन आप जरूर करें। यदि आप ये करते हैं तो देखिएगा आपकी जो मनोकामना है वो भी आपकी पूरी होगी। वो जो मैंने कील कहा, भगवान श्री नरसिंह के सामने जो कील है वो कहीं आप जाकर के दे आए, डोनेट कर दे, अपने घर में कील नहीं रखना है। और जो दही का प्रसाद अपने भोग लगाया सब में बांटें, जितने आपके नियरेस्ट डियरेस्ट आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं सब में बांटें, खुद भी आप ग्रहण करें। और वो जो मोर का पंख है उसे हमेशा संभाल कर रखें, या तो अपने देव स्थान में आप रख लें संभाल कर, या कहीं किसी जगह पर आप इज्जत के साथ कहीं लगा दें या चिपका दें आपकी दीवार पर, वहीं देव स्थान पर, लेकिन आप मोर पंख हमेशा रखें, देखिए वो भी आपकी बहुत ज्यादा रक्षा करेगा। ये आप जरूर से करके देखें, ये दिन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा खास है इन सब परेशानियों से बचने के लिए, इन सब परेशानियों के खात्मे के लिए।
मैं समझता हूँ कि आप सभी इस दिन का, इस बेहद खास दिन का बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं, प्रभु श्री भगवान श्री नरसिंह से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो शत्रुओं की समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य कोर्ट केस लिटिगेशन की समस्याएं हैं, चाहे घर परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं जो है वो चल रही हो, या पैतृक संपत्ति की कोई समस्या चल रही हो, या किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, ये आसान से उपाय के बाद में वो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री नरसिंह भगवान।